प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में सातवीं बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बच्चों से बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने अभी बच्चों की एग्जीबिशन देखी, वो इतनी अच्छी थी कि मुझे 5 से 6 घंटे लग जाते। बच्चों से पीएम ने ये भी कहा कि आप लोग जिस जगह भारत मंडपम प्रगति मैदान में बैठे हुए हैं, वहाँ दुनिया के दिग्गज नेता चर्चा कर चुके हैं। इस इवेंट में पीएम के साथ करीब 3000 स्टूडेंट्स शामिल हुए हैं। वहीं देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 2 स्टूडेंट्स और 1 टीचर इस इवेंट में ऑनलाइन जुड़े हैं। और इसके अलावा देश के 100 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों के बच्चे भी इवेंट में शामिल हुए हैं। वहीं परीक्षा पे चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने बच्चों को तनाव से निपटने के टिप्स दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होना चाहिए, दोस्तों के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि दूसरों से नहीं खुद से प्रतिस्पर्धा करें, जहां आप मजबूत हैं वहां आप उसकी मदद करें और जिस विषय में वह मजबूत हो उससे आप मदद लें। इससे दोनों मिलकर परीक्षा के तनाव को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों को 2 बेसिक फिजिकल एक्सरसाइज, पर्याप्त नींद लेना जरूरी बताया। आपके दोस्त से आपको किस चीज की स्पर्धा है भाई? मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है, अगर आपका दोस्त 90 ले गया तो क्या आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए भी तो 100 है ना, तो आपको उससे स्पर्धा नहीं करनी है, खुद से करनी है। खुद से करनी है कि वो 100 में से 90 लाया, मैं 100 में से कितना लाऊं, उससे द्वेष करने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली तो वो आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। और अगर यही मानसिकता रहेगी तो क्या करेंगे आप? अपने से तेज तर्रार व्यक्ति को दोस्ती नहीं बनाएंगे आप, ऐसे जिसकी कुछ चलती नहीं बाजार में उसी को दोस्त बनाएंगे और खुद बड़े ठेकेदार बन के घूमते रहोगे। सचमुच में तो हमसे प्रतिभावान दोस्त ढूंढने चाहिए हमें।